मतलब कि कल जो है, कल मैं ये वाली रील अपलोड करूंगा और उससे नेक्स्ट डे अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का सीन कुछ इस तरह है कि यार मुझे ये जो रैंडम व्लॉग्स हैं ना, ये आजकल मुझे ये बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आम व्लॉग्स तो हमारे चैनल पे आते ही हैं, तो पहले इस तरह होता था कि जब वो वाले व्लॉग्स नहीं आ रहे होते थे तो बीच में ब्रेक आ जाती थी, लेकिन अब मैं इस तरह किया करूँगा कि कोशिश करूँगा कि जितना कुछ हो रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का मतलब कवर किया जाए व्लॉग्स में और वो आपको दिखाया जाए। और इससे होगा ये कि मतलब एक तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपको, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा मेरी शक्ल देखने को मिल जाएगी इंशाल्लाह। जो लोग कंप्लेन करते थे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो अब इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी तो दिखा रहे हैं और कंसिस्टेंट ही रहेंगे। और मतलब बीच में इस तरह के रैंडम व्लॉग्स भी अपलोड करता रहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अच्छा, तो सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने जो है, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि शहीद भाई फूड व्लॉग्स की तरह, फूड व्लॉग का कह के आप गायब हो गए, आपने 3-4 फूड व्लॉग्स बनाए हैं और फिर आप मतलब गायब हो गए। और मेरे चैनल पे फूड व्लॉग्स पे जो है सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मतलब आप लोगों को फूड व्लॉग पसंद आते हैं, तो टेंशन नहीं लेंगे, दोबारा शुरू करेंगे। रुको ज़रा बैठ के आपको सबूत समझाता हूँ। अच्छा, फूड व्लॉग्स का ये सीन है, आपको जितना फूड व्लॉग देखने में मज़ा आता है ना, मुझे आपको पता है खाने पीने का ज़रा बहुत शौक है और उसके साथ ब्लॉगिंग का भी शौक है, तो मुझे फूड व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। फूड व्लॉग जो है वो तो चैनल पे आएंगे ही आएंगे और उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 3-4 वीडियोज़ मैंने शूट करके रख ली हैं, बस वो एडिट हो रही है और एडिट होकर वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। लेकिन मैंने सोचा कि आजकल जो है रील्स का ज़माना चल रहा है, तो और मतलब बड़ी मज़ेदार रील्स भी आ रही होती हैं फूड की, तो क्यों ना अब मैं फूड डिटेल आपको व्लॉग में तो डिटेल मिलेगी वीडियो की, लेकिन साथ एक मज़ेदार सी, कड़ाकेदार सी, स्पाइसी सी रील बना के भी आपको जो है, रील ये कह लो या यूट्यूब पे शॉर्ट कह लो, वो बना के भी आपको दिखाया जाए। अच्छा, तो रील्स भी बनाएंगे, व्लॉग्स भी बनाएंगे, लेकिन मेरे जहन में एक उससे पहले एक बड़ा अच्छा आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि मतलब के जो प्रॉपर फूड व्लॉग्स और रील्स अपलोड करने से पहले एक इंट्रो रील क्यों ना बना ली जाए और एक इंट्रो व्लॉग बना ली जाए। तो ये बेसिकली वो इंट्रो व्लॉग है, तो इसमें तो मैंने आपको बता दिया सारा के फूड व्लॉग और रील्स वगैरह आएंगी। तो खैर, इस व्लॉग में आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाते हैं कि हमने जो है रील बनानी है जो, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी मैं दिमाग में मतलब 2-3 दिन से मेरे जहन में आइडिया चल रहा है, तो कि एक इंट्रो रील किस तरह बना लूँ, मतलब कि एक ऐसी रील हो, समझ तो आपको आ गई होगी, जो उसमें मैं बताऊँ कि फूड व्लॉग शुरू होने वाले हैं और ये और वो है, वो आपको इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे मेरे मिल जाएगी। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो करें, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मैं कोशिश करूँगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड करता हूँ, लेकिन बेसिकली रील्स ही होंगी वो इंस्टाग्राम के लिए होंगी और डिटेल ब्लॉग्स तो यूट्यूब पर फिर आते ही आते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ मैं कह ही चुका हूँ तो फॉलो कर लें। और अगर आपको नहीं पता तो मैं फेसबुक पे भी ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, तो अगर आप यूट्यूब पे नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं देखना चाहते, अगर आप फेसबुक यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज, अब ये जो रील हमने बनानी है, सबसे पहले जो है आपको पता है कि जो रील होती है वो 1 मिनट के अंदर अंदर या मतलब थोड़े टाइम के अंदर अंदर आपने जितना हो सके, अब व्लॉग में तो जैसे अभी व्लॉग बन रही है मेरा, मैं बस कैमरा पकड़े, मेरा जो दिल चाह रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, अभी ये इसकी कोई टेंशन नहीं है, व्लॉग जितनी लंबी हो जाए, मैं बस अपने बात पूरी एक्सप्लेन करनी है इस व्लॉग में। इस तरह व्लॉग्स का तो ये सीन होता है, लेकिन रील का भी ये सीन होता है कि रील में जो है आपने कम से कम टाइम में अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करनी होती है। अब ये इस वीडियो में मैंने आपको जो सारा बताया है कि फूड व्लॉग्स आएंगे, ऐसे आएंगे, एडिट हो रहे हैं, शूट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको ऐसे डिटेल से बता दिया, लेकिन रील में अब उसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो। तो सबसे पहले जो है मैंने रील की स्क्रिप्ट लिखनी है, ताकि बाद में कोई मसला वगैरह ना हो। तो एनीवेज, सबसे पहले जो है हम अपनी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। जो YouTube वाला फोल्डर है वो दिखा देता हूँ, तो ये मेरे लैपटॉप में जो है YouTube वाला फोल्डर है, इसमें सबसे टॉप पे तो ये ऑडियोज़ आ जाते हैं। ऑडियोज़ में मतलब कि ये पहले तो म्यूज़िक है, ये मैं पहले यूज़ करता था, अब जैसा कि आपको पता है मैं
अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक क्विट कर चुका हूँ, तो ये बस पड़ा हुआ है तब का, इसको डिलीट कर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये नशीद्स और नाद्स हैं जो मैं व्लॉग में यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये एक है, इसमें वो होता है जो जैसे कि आपने किस तरह एक्सप्लेन करूँ, मतलब जो इस तरह के साउंड होते हैं जैसे कि ये वाला, इस तरह के जो साउंड वगैरह होते हैं इसमें वो है। और उसके बाद जो बेसिक साउंड इफेक्ट्स, जो मतलब साउंड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि माउस क्लिक हो गया या कोई एक्सप्लोजन हो गई, सारा वो इसमें। उसके बाद ये यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो एडिट करके मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आप सारी वीडियोस जो है वो देख चुके हैं। उसके बाद ये इंट्रोज, अगर कुछ मैंने जैसे पॉडकास्ट का इंट्रो बनाया था, ये वो है। उसके बाद ये ज़रा कुछ इस्लामिक बयान है, वो आपको पता है, आपका भाई कभी कभी ज़रा समझ रहे हो ना, ज़रा कभी दीनी बातें भी कर जाता है, जो कि अच्छी बात है, बंदे को करती रहनी चाहिए। तो एक दो तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ रिलीजियस टॉक्स भी हम अपलोड करें तो बताना कमेंट्स में, और इंशाल्लाह फिर मैं आगे जो रिकॉर्ड करूँगा वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। उसके बाद ये न्यू फोल्डर्स हैं वैसे, इसमें मतलब जो बेसिक जो दूसरी रैंडम चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होती हैं, ये ओल्डर वीडियोस हैं। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता, तो मैं बहुत पहले से बचपन से वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा तो मैंने क्रेन से डिलीट कर दी थी, लेकिन कुछ एक दो जो है वो पड़ी हुई है मेरे पास थोड़ी सी, तो इसमें वो है। और उसके बाद आ जाते हैं, पॉडकास्ट है ये हमारा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, हमने पॉडकास्ट भी शुरू किया था। ये बीच में मैंने रील्स बनाने शुरू की थी, फिर छोड़ दी थी, अब दोबारा से इंशाल्लाह रील्स पे काम करके, तो ये रील्स वाला फोल्डर है। उसके बाद ये जो मैं अभी बात कर रहा था, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मतलब अब मैंने ये अब आदत बनाई है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ की स्क्रिप्ट वगैरह लिख लूँ, जो मतलब इस तरह की वीडियोज़ होती है, जैसे कि जो मैं अभी ये वाली रील बनाने जा रहा हूँ, इस तरह की वीडियोज़ में यार ये गर्मी चेक करो, मैं पंखा चला हुआ है और पसीना ऐसे आना शुरू हो जाता है। और तो खैर इस तरह की जो जैसे कि मैं रील बनाने लगा, तो इस तरह की वीडियोस की जो होती है मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख लेता हूँ, तो वो अच्छा होता है कि फिर बाद में बंदे को याद रह जाता है कि क्या बोलना था, क्योंकि अक्सर भूल भी जाता है तो वो मसला हो जाता है। एनीवेज ये जो है, ये वीडियोज़ जो कुछ मैं प्राइवेट कर चुका हूँ मेरे चैनल पे जो थी, उसके बाद ये व्लॉग के ट्रेलर्स मैं पहले बनाया करता था शुरू शुरू में, ये वो है। उसके बाद ये टू बी एडिटेड वाला फोल्डर वो है कि जिसमें जो है उप्स जिसमें जो वीडियोस अभी एडिट करनी है, जो शूट हो चुकी है लेकिन वो एडिट करने के लिए पड़ी हुई है, तो वो सारी इसमें पड़ी होती है। इसका आपको थोड़ा सा जो है वो समझ रहे हो ना, बस थोड़ा सा जो है मैंने आपको क्लिप्स दे दिया। एनीवेज लास्ट पे जो है, जो हमारे थंबनेल्स और यूट्यूब कवर्स वगैरह होते हैं, तो ये सब आ जाता है। जैसे कि आपने ये देखा होगा, मतलब सारे थंबनेल्स वगैरह जो भी होते हैं वो मैं इसमें सेव करता रहता हूँ, यहाँ से फिर आगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी अपलोड कर देता हूँ साथ। तो एनीवेज ये मैंने थोड़ा सा आपको ज़रा अपने उसका व्यू दे दिया, जो यूट्यूब वाला बेसिक फोल्डर है उसका, और अब जो है अपनी स्क्रिप्ट, जो असल हमारा काम है अपनी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अभी जो है मैं स्क्रिप्ट अपनी लिख लेता हूँ और उसके बाद जो है आपसे मिलता हूँ। स्क्रिप्ट जो है वो मैंने तैयार कर ली है, और ये सामने मेरी स्क्रिप्ट है, और ये अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आप जो है फूड जो रील अपलोड होगी उसी में देखेंगे। तो अब सीन इस तरह है कि ये वाली जो बल्कि एक सेकंड, शूट तो अभी की नहीं, आपको शूट का भी एंड सीन भी दिखाना है, तो पहले जो है अब रील को शूट कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको रील के बारे में बता देता हूँ कि इस रील में होगा ये है कि इसमें बेसिकली तीन करेक्टर्स होंगे और वो तीनों करेक्टर मैं ही होगा, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मतलब कपड़े शपड़े चेंज करने पड़ेंगे बार बार, और खैर एनीवेज लेट्स डू इट। अच्छा, तो रील जो होती है उसको आपने, आपको पता ही होगा कि वो रील जो आप देखते हैं वो ज़रा इस तरह से होती है, मतलब कि रील जो होती है वो वर्टिकल व्यू में होती है, और आम लॉग जिस तरह लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल जिसको आप बोलते हैं आम जुबान में, उस तरह होती है। तो ट्राईपॉड को जो है मुझे इस तरह रखना पड़ेगा, तो इसमें जो है अभी हम अपना कैमरा लगाते हैं और फिर जो है शूट करते हैं। तो मैं आपको पहला सीन शूट करने के बाद ही देता हूँ, क्योंकि यार गरीब बंदा हूँ मैं, मेरे पास जो है एक्स्ट्रा कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास जो है बड़े कैमरे हों और साथ फोन हों और उनसे जो है मैं किसी
किसी से बिहाइंड द सीन शूट करूँ, किसी से क्या शूट करूँ, ये एक इकलौता फ़ोन है मेरे पास ये वाला, और इसी से जो है मैंने सब शूट करना होता, तो इसी से जो है मैं अभी ये वाला सीन शूट करूँगा और फिर इसी से मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ अल्टरनेटिवली। तो एनीवे अच्छा, तो पहला मसला मुझे ये फेस करने को मिल रहा है कि मैंने मैंने सोचा था कि मैं एक सीन में तीन करेक्टर्स करूँगा, और पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल व्लॉग में, तो मतलब हॉरिजॉन्टल शूट करते तो उसमें तो ये पॉसिबल था, लेकिन अब मेरे पास ये फ्रेम है और इस फ्रेम में मैंने एक करेक्टर तो मैं खुद हूँगा, मतलब बेसिकली यहाँ मैं एक हूँगा। अब एक करेक्टर मैंने यहाँ पे तीन करेक्टर फिट करने हैं, तो एक करेक्टर इधर होना चाहिए, एक इधर इस तरफ होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ज़्यादा इधर हो जाऊँ और तो एक करेक्टर यहाँ पे आ सकता है लेकिन फिर दूसरा करेक्टर नहीं आएगा, और अगर मैं इधर हो जाऊँ तो करेक्टर इधर आ सकता है लेकिन इधर नहीं आ सकता। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं इन तीन करेक्टर्स को कैसे फिट करूँ। दूसरा मसला जो ये है कि मैं चाह रहा हूँ रील में ऑडियो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और पंखा बंद करके शूट करना पड़ रहा है, और गर्मी और साथ जो बार बार मुझे कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं ना, उस पर तो और जो है वो अजाब है ये गर्मी वाला। ओहो हो। अच्छा, तो फाइनली जो है हमारी रील जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शूट हो चुकी है, अब बस इसको जो है एडिट करना है और अपलोड करना है। अच्छा, तो इसका इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो हमारी फूड ब्लॉग्स आगे आने वाली है उसकी उसके साथ मैं फूड रील्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये उनका एक इंट्रो टाइप है। तो ये वाला व्लॉग जो कि आप अभी देख रहे हैं, ये यही वाला व्लॉग के ये जब अपलोड होगा, मतलब कि अगर आप ये देख रहे हैं तो मतलब ये अपलोड हो चुका है, तो इससे जो नेक्स्ट डे है मतलब कि कल। ये मेरी बहन ने एकदम दरवाज़ा खोल के मेरे डरा दिया था। कल जो है कल मैं वो ये जो रील अभी हमने आज शूट किया वो मैं रील अपलोड करूँगा, और उस रील से जो है बिल्कुल नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के वो देखेंगे उस पे मैं जो है फूड व्लॉग पहला अपलोड करूँगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फूड व्लॉग लाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खैर, दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग, ये बहुत रैंडम सा व्लॉग था, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट नॉट लीस्ट भाई को इंस्टाग्राम फॉलो करें, एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। आगे जो है मैंने बहुत मज़ेदार मज़ेदार सीरीज़ प्लान की हुई है, तो सीरीज़ भी आ रही हैं। और दूसरा ये भी बताना कि आपको रैंडम व्लॉग्स किस तरह के लग रहे हैं, अगर आप कहते हैं तो फिर हम और भी रैंडम व्लॉग्स बनाएंगे। फूड व्लॉग्स तो हमारे इंशाल्लाह आ रहे हैं और वो तो चलते रहेंगे, साथ साथ ये जो रैंडम व्लॉग्स होते हैं ये भी इंशाल्लाह आएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।